नील शुक्राणु या एजोस्पर्म्या, ये दोनों ही शब्द वीर्य में शुक्राणु की कमी को दर्शाते हैं। इस समस्या को नील शुक्राणु या एजोस्पर्म्या कहते हैं। नील शुक्राणु या एजोस्पर्म्या की जांच करवाते वक्त जानिए किन बातों का रखना है ध्यान। मरीज को शुक्राणु की जांच किसी आईवीएफ सेंटर द्वारा संचालित एंड्रोलॉजी लैब पर करवानी चाहिए, क्योंकि अन्य पैथोलॉजी लैब की तुलना में वहां शुक्राणु की जांच का अनुभव टेक्नीशियन को ज्यादा होता है। फ्रुक्टोज वीर्य में पाया जाने वाला एक तत्व होता है और WHO के अनुसार यदि सीमेन एनालिसिस करवाने पर शुक्राणु नील पाए जाते हैं तो फ्रुक्टोज की जांच भी जरूरी होती है। अगर मरीज की फ्रुक्टोज जांच नहीं हुई है तो उसे 2 से 3 हफ्ते के अंतराल में फिर से सीमेन एनालिसिस करवाना चाहिए। इस जांच में 2 प्रकार के परिणाम आने की संभावना हो सकती है। पहला, एजोस्पर्म्या के साथ फ्रुक्टोज रिपोर्ट पॉजिटिव आना। दूसरा, एजोस्पर्म्या के साथ फ्रुक्टोज रिपोर्ट नेगेटिव आना। फ्रुक्टोज रिपोर्ट आने के बाद मरीज को बिना देरी किए किसी निसंतानता विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर निसंतानता विशेषज्ञ मरीज को अन्य जांचों की सलाह दे सकते हैं, जैसे खून की जांच, जो कि सामान्यतः हार्मोन्स की जांच होती है, जिनमें FSH और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आदि का परीक्षण किया जाता है, या सोनोग्राफी की जांच, जिसमें अल्ट्रासाउंड या स्क्रोटल सोनोग्राफी के माध्यम से टेस्टिस या स्क्रोटम का परीक्षण किया जाता है। जब मरीज की यह सभी जांच हो जाती है तो इनकी रिपोर्ट्स के आधार पर निसंतानता विशेषज्ञ मरीज का इलाज स्वयं के शुक्राणु यानी सेल्फ स्पर्म से संभव है या नहीं यह बता सकते हैं। जानिए क्या कहती है रिपोर्ट्स। मरीज में शुक्राणु मिलने की संभावना तब होती है जब फ्रुक्टोज रिपोर्ट नेगेटिव हो, FSH हार्मोन्स रिपोर्ट सामान्य हो, सोनोग्राफी सामान्य हो। मरीज में शुक्राणु ना मिलने की संभावना तब पाई जाती है जब फ्रुक्टोज रिपोर्ट पॉजिटिव हो, FSH हार्मोन्स रिपोर्ट बढ़ा हुआ या असामान्य हो, सोनोग्राफी असामान्य हो। यदि खुद के शुक्राणुओं से मरीज का इलाज संभव नहीं होता है तो मरीज को डोनर स्पर्म के विकल्प पर विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए इंदौर इनफर्टिलिटी क्लिनिक के निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर से लें निशुल्क परामर्श 9111110111 पर।